सलाम अलैकुम, मेरा नाम उसामा है। मैं एक्सप्रेस बीस कंपनी में मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। तो आप सबके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे को पास करना था, स्पेशली उनके लिए जो ऑनलाइन ऑर्डर्स बुक करते हैं। तो आज मेरे पास एक छोटा केस आया था कि कस्टमर ऑनलाइन पे एक प्रिंटर ऑर्डर किए थे जो 1499 रुपीज़ का था, बट ओपन करने के बाद उनको मालूम हुआ कि उसके अंदर सिर्फ पानी का बॉटल निकला। तो ऐसे फ्रॉड केसेस आप लोग के साथ भी हो सकते हैं, तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि इससे बचा कैसे जाए और ऐसे केसेस से कैसा दूर रहे। आप पहले जो भी ऑर्डर कर रहे हैं सोच समझ के ऑर्डर करिए कि ये आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। और इत्तेफाक अगर आपको कोई अननोन लिंक दिखे, जैसे कि यूट्यूब पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल रहे या फेसबुक पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल रहे कि मेरे को ये चाहिए, आपको 999 में 4 जीन्स आ रहे, 999 में 5 जीन्स आ रहे, आपको ऑफ़र में जो है सो प्रिंटर्स आ रहे, आपको ऑफ़र में कोई भी एक्सेसरीज़ आ रहे हैं, मोबाइल एक्सेसरीज़ आ रहे हैं ऑफ़र में, आपको यूट्यूब पे ऐसे लिंक्स मिलते हैं, वो लिंक पे क्लिक करके आपको जो है सो थोड़े डिटेल्स फिल करने पे ऑर्डर आ जाता। बट होता ये कि आप जब भी अगर ऐसे चीज़ें ऑर्डर करें, आपको कार्टून में फटे चिंदियाँ या तो फिर आपको दूसरे एक्सेसरीज जो आपके यूज़ेबल नहीं रहते वैसे चीज़ें मिलते, और उसमें होता कुछ नहीं, सिर्फ आप ही का नुकसान है, आपके पैसों का नुकसान है। वो रिटर्न करने मुश्किल, वो लिंक फिर काम नहीं करती, आपको रिटर्न करने बहुत प्रॉब्लम आया था। खैर बात पैसों की नहीं है यहाँ पे कि 1000 2000 3000, बट छोटे छोटे अमाउंट से जो फ्रॉड करने वाला है उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते। तो इसीलिए आप लोग बेहतर है कि थोड़ा अवेयरनेस लाए और ऐसे फ्रॉड लिंक से ऑर्डर करना बंद कर दें थोड़ा। कुरियर ऑफिस कहाँ पर है आपकी? पहाड़ी शरीफ पे है।